लेवल 7 कंप्यूटर ब्लैक। नमस्कार दोस्तों, पिंक पेन सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म chess.com पर वर्सेस कंप्यूटर ऑप्शन में लेवल 7 के साथ वाइट से खेल रहा हूँ। मैं खेलूँगा Nf3। Nc6 खेला उसने। बिशप b5, a6 खेला उसने। मैं खेलूंगा बिशप f4, nf6, b3। यहाँ कैसल भी कर सकते हैं, तो मैंने d3 वेरिएशन चूज किया है। मैं खेलूंगा d6 पर कैसल। Bd7 खेला उसने। मैं खेलूंगा c3। d5, तो e×d5। n×d5। अब यहाँ वन पॉन का एडवांटेज देने के लिए मैं खेल सकता हूँ बिशप इनटू c6। बिशप इनटू c6 मैं खेलूँगा नाइट क्रॉस e5। उसने खेला है नाइट इनटू c3। चूंकि लेवल 7 है और टोटल 25 लेवल्स हैं, तो मैं मेरे पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ कि कुछ ना कुछ बिगिनर्स मूव या एमेचर्स मूव सभी ऐप्स में आते हैं। उसने खेला है बिशप e7। तो अब मुझे ऑलरेडी 3 पॉइंट्स का एडवांटेज मिल चुका है, तो मैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकता हूँ। सेम पॉइंट्स की लड़ाई करना और लास्ट में क्वीन बनाकर जीतना, क्योंकि मैं सारे पीसेस बोर्ड पे रखकर ही खेल रहा हूँ। Re1, और चूंकि मैं कंप्लीट गेम खेलता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मुझे एडवांटेज मिल जाता है 3 या ज़्यादा पॉइंट्स का, तो मैं इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करता हूँ। मैं यहाँ पर मार सकता हूँ बिशप इनटू g5, क्योंकि वो बिशप पिन है। उसने खेला है a5, तो मैं खेल सकता हूँ r×e7 चेक। q×e7 पर मैं खेलूंगा बिशप इनटू e7। k×e7, qe2 चेक, kf6 खेला है उसने, तो knight e4 चेक भी मैं दे सकता हूँ। मैक्सिमम अटैक्स मैं करना चाहूँगा यहाँ पर। Kg7 पर मैं खेल सकता हूँ यहाँ पर Qg4 चेक। Kf8 खेला है उसने, तो मैं खेल सकता हूँ यहाँ पर Qd7। उसने खेला है Rg8।
मैं खेलूंगा F4, Rg4 खेला है उसने, तो मैं खेल सकता हूँ यहाँ पर Ng5, Rg4 भी आ सकता है हालांकि, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो ठीक ही रहता। उसने खेला है Rg5, तो मैं खेलूंगा यहाँ पे Rg5, क्योंकि बाद में मेरे पास Rf1 मूव भी था फर्दर अटैक के लिए। उसने खेला है Rb8, तो मैं खेल सकता हूँ Rf1। इस तरह से आप लोग को भी फिजिकल चेस सेट का यूज़ कर कर खेलना चाहिए। मैं खेल सकता हूँ यहाँ पे Rf7। टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम Kg8, लेकिन हम यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने गेम चल रहा है मोबाइल ऐप पर, मैं डायरेक्ट स्क्रीन पे वर्चुअल स्क्रीन पे ना खेलकर मैं यहाँ पर फिजिकल चेस बोर्ड, और वो भी वो चेस बोर्ड जो कि टूर्नामेंट में मैक्सिमम यूज़ में आता है, मैं उसमें खेल रहा हूँ। उसने खेला है Rb2। तो जिस चेस सेट से हमको टूर्नामेंट में खेलना है, मैक्सिमम टूर्नामेंट्स में हम वहाँ पर उसका उपयोग अगर करते हैं तो वो हमको प्रैक्टिस में और भी फ़ायदा देता है। तो अब आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए इस तरह से रिजल्ट आता है। अब ये बोर्ड पोजीशन है जो मैंने Qg7 चेकमेट किया था लेवल 7 को। अब हम इसका रिजल्ट नोट करेंगे जीतने के लिए। ये देखिए, सबसे पहले आप चार्ट देख लीजिए। इस तरह से मैंने 25 लेवल्स का चार्ट बनाया है। जीतने के लिए हम यहाँ तो W लिखते थे, किसी सीरीज में मैंने W लिखा है और डेट डाली है, तो कहीं कहीं पे हम टिक, मैंने टिक भी किया हुआ है और उस दिन की डेट डाली है। इस तरह से आप अपने गेम का प्रोफेशनल रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। धीरे धीरे मेरी कोशिश होगी जितने भी लेवल में क्रॉस करके आगे पहुंच पाऊँ। तो इस तरह से आपको भी खेलना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।